आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पडरौना डिपो अनुबंधित वाहन परिचालक द्वारा यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा था। जो यात्री बेलखा रोड के वारा मलेरा निवासी संदीप कुमार श्रीवास्तव बताया जा रहा है, जो कि बीते दिन पहले बेलखा रोड के एआरएम को पत्रक देकर अपनी आप बीती सुनाई और बलिया एआरएम को मोबाइल के माध्यम से अवगत कराया, जिसको संज्ञान में लेते हुए पडरौना एआरएम द्वारा बताया गया कि अग्रिम कार्रवाई होने तक परिचालक को बर्खास्त किया गया है। अधिकारी इस वीडियो को देखते हुए प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी, जो कि मंडल गोरखपुर को प्रकरण जांच हेतु सौंप दिया गया है। लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आए दिन लोगों की सुरक्षा व सम्मान देने की बात कही जाती है, लेकिन कुछ गिने चुने अधिकारी व कर्मचारी पलीदा लगाने में लगे हैं। वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा आए दिन परिवहन विभाग को लेकर कुछ न कुछ मामला अधिकारियों को अवगत कराते नजर आते हैं, लेकिन परिचालक के इस कृत्य का वीडियो देखने के बाद क्या फैसला होता है, यह अगली खबर में दिखाएंगे। न्यूज 9 भारत के लिए सत्यम गौड़ की खास रिपोर्ट। उतारिए, बोलिए क्यों उतार रहे हैं? हमारा सामान नहीं ले जाएंगे, लगेज क्या? नहीं लगेज का क्या किराया है? सलेमपुर से लेके यहाँ का लगेज नहीं ले जाएंगे। नहीं, सलेमपुर से यहाँ तक का बिलसा रोड का क्या किराया है? नहीं जाएगा। नहीं, मोबाइल नहीं अच्छी नहीं, बताइए सलेमपुर से लेके बिलसा रोड का क्या किराया है? नहीं जाएगा तुम्हारा। नहीं नहीं, तुम डिसिप्लिन से बात करिए, पहले डिसिप्लिन से बात करिए, डिसिप्लिन से बात करिए। लगेज का आप टिकट काटिए ना, टिकट काटिए, टिकट काटिए, टिकट काटिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।